हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और अच्छा एसे, जिसमें हम आज जानेंगे एसे ऑन इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा हमारा भारत देश जिसे हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया ऐसा हो जाए। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं, पढ़ते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं एसे ऑन इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। इंट्रोडक्शन। वी ऑल आर इंडियन, आवर इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। इन माय ड्रीम आई वांट माय इंडिया टू बी अ कंट्री वेयर वुमेन कैन वॉक सेफली ऑन रोड्स ऑल डे और लेट नाइट टू। इट विल बी अ प्लेस वेयर देयर इज फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी टू ऑल द एवरीवन कैन एंजॉय इट इन देयर ट्रू सेंसेस। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि हम सभी भारत के निवासी हैं, भारतवासी हैं। हमारा इंडिया एक विकसित, अंदर विकसित कंट्री है, और हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया एक ऐसा देश बने जहां पर चाहे आधी रात हो या पूरा दिन हो, कभी भी कोई भी वुमेन, गर्ल सेफली रोड पर वॉक करने के लिए निकल सके या फिर अपने काम से घर लौट सके। हमारे देश में सभी को इक्वल क्वालिटी मिले और इक्वल राइट्स मिले अपनी ज़िंदगी को जीने के। इन माई इंडिया देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, क्रीड, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एंड शुड बी नो रेस। अदर देन दैट आई सी इट एज अ प्लेस दैट सीज एन अबंडेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैं मेरे इंडिया को ऐसे देखती हूँ कि उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, कलर को लेकर, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर और इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर। और हमारे इंडिया में इसके साथ ही साथ कोई भी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातें हो और ग्रोथ की बातें हो। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी थॉट दैट वुमेन आर लेस देन अ मैन। आफ्टर ऑल दिस द वुमेन आर stepping out of their houses and making a mark on different field and on society. In addition, there are a lot of areas that need to be worked upon, whether it is female feticide or restricting them to the household task. हम चाहते हैं हमारे इंडिया में जो हमारी वुमेन्स के अगेंस्ट या जो औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो वुमेन को मैन से कम समझते हैं, वो ऐसा ना करे। और इस सब के साथ ही साथ आज के देश में हमारी इंडिया की जो गर्ल्स है और वुमेन्स है, वो फिर भी घर के बाहर निकलने लगी है और अलग अलग फील्ड में, सोसाइटी में, समाज में अपना एक मकाम खड़ा कर रही है। जहां कई जगहों पर हमारे देश की औरतें एक नया मुकाम हासिल कर रही है, वहीं पर कुछ अभी भी ऐसे पिछड़े राज्य है और पिछड़े ही ऐसे ही गांव है जहां पर फीमेल फीटिसाइड होता है, मतलब से कि भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की, और इन्हें रेस्ट्रिक्ट करना अभी हमारा फर्ज बन गया है। बट नाउ मैनी NGOs एंड सोशल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। कुछ NGOs है और कुछ सोशल ग्रुप्स है जो अभी आगे आकर वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। हाउएवर इट विल टेक टाइम एंड हैव टू वर्क हार्ड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। ये तो सही बात है कि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं बदलती, हमें धीरे धीरे करके ही सोसाइटी का माइंडसेट करना, चेंज करना पड़ेगा। आई ड्रीम इंडिया एज अ कंट्री दैट सीज वुमेन एज इट एसेस्ड, नॉट एज लाइबिलिटीज। आई वॉन्ट टू प्लेस वुमेन एज एन इक्वल लेवल एज मैन। हम सभी चाहते हैं, मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो आदमियों के इक्वल लेवल पे खड़ी हो सके और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जैसे कि मेंस को मिलती है समाज में। एजुकेशन। इन इंडिया ऑफ माय ड्रीम देयर विल बी एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मैंडेटरी फॉर एवरीवन। दो देयर आर मैनी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की सारे ही लोग एजुकेशन फ्री में प्राप्त करें और सभी के सभी को एजुकेशन प्राप्त करना कंपलसरी बन जाए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्रोग्राम्स प्रमोट किए हैं एजुकेशन को लेकर, बट देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट रियलाइज इट्स ट्रू इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन
फॉर दोज वी हैव टू मेक दैम अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन. कुछ लोग अभी भी है ऐसे, कुछ गाँव में, कुछ छोटे छोटे प्रदेशों में, जहाँ पर लोग एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस को नहीं समझते हैं. उन्हें हमें समझाना होगा इसके इम्पॉर्टेंस को. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार. देयर आर मैनी एजुकेटेड पीपल इन इंडिया स्टिल आर अनेबल टू गेट अ डिसेंट जॉब ड्यू टू करप्शन एंड मैनी अदर रीजन्स. अदर देन दैट देयर आर मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इंडिया बट दे आर लिमिटेड और डोंट पे वेल इनफ. दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द कंट्री. हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, कुछ कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको एक सही जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि करप्शन बहुत है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत है. जो अगर कोई मिनिस्टर का होगा कोई लड़का तो उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोई अगर माली का लड़का होगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी. उसके एजुकेशन के बेस पर नहीं, हम उसके पोजिशन के बेस पर उसको देखते हैं. इससे भी ज़्यादा हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड है, और उसी के साथ साथ जिसको अगर एम्प्लॉयमेंट मिलती भी है यानी कि जॉब मिलती भी है, तो उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो कुछ डेवलपमेंट कर पाए. इसी के वजह से हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही कम है, कमज़ोर है हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. इन इंडिया रिजर्वेशन इज अ हाइंड्रेंस इन दिस पाथ एज मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग एस्पायरेंट लॉस देयर गुड्स अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन. मैनी ऑफ दिस डिजर्विंग एस्पायरेंट डू गो अब्रॉड एंड वर्क फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अदर कंट्रीज. हमारे इंडिया में रिजर्वेशन यानी कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, जो अगर कोई माली का बेटा होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेंगी भले ही वो कितना भी टैलेंटेड हो. इसकी वजह से उसका टैलेंट लॉस होगा. एक गुड अपॉर्चुनिटी किसी और बड़े आदमी के बेटे को मिलेगी, जिसकी वजह से जो माली का बेटा यानी कि जो लेस सोशली जो लेस होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की कंट्रीज़ में जाएगा अपने टैलेंट के बेस पर, और वहाँ की कंट्री का ग्रोथ करेगा और हमारा इंडिया पिछड़ा ही रह जाएगा. द इंडिया ऑफ माई ड्रीम विल बी अ प्लेस वेयर द डिजर्विंग एस्पायरेंट विल गेट द जॉब फर्स्ट रेदर देन रिजर्व्ड एस्पायरेंट. हमारा इंडिया मैं जैसा चाहती हूँ कि हमारा इंडिया ऐसा बने जो डिजर्विंग एस्पायरेंट हो उसे ही पहले जॉब मिले, और जो ऐसा रिजर्व ना हो उसे ना मिले, उसे बाद में मिले. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ शेमफुल टू सी हाउ इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री द पीपल ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर डिनाइंड द बेसिस राइट्स. दो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कास्ट रिलीजन एंड क्रीड डिस्क्रिमिनेशन. ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अभी भी हमारे देश के कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कास्ट के बेसिस पे राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें उनकी सही जगह दी नहीं जाती. वैसे तो हमें 1947 में यानी 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन फिर भी अभी हमें कास्ट रिलीजन और क्रीड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना अभी बाकी है. इट इज़ शेमफुल टू सी हाउ इट्स इन सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री द पीपल ऑफ लोअर सेक्शन एंड द सोसाइटी आर डिनाइंड द बेसिक राइट. इन माई ड्रीम ऑफ एन इंडिया वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस. However, there are various social groups that speak for their rights and help them to oppose this oppression. Besides, in my dream of India, where there is no discrimination of any kind. कुछ है ऐसे ही social groups है जो speak करते हैं, मतलब बताते हैं कि आपकी ये right है, आपको ये मांगना चाहिए. और भी मैं अपने देश को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव हो ही ना. Corruption, भ्रष्टाचार. Corruption is one of the major reasons that are lowering the growth of the India. There are many officers and politicians which are filling their own pockets instead of making an effort to serve the growth of the country. कुछ हमारे देश में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो officers, politicians हैं जो खुद के ही जेब भरने में लगे हुए हैं इंडिया को डेवलप करने से ज़्यादा. But in my dream of India and India where the minister and official are dedicated to their work for the development of the country. जैसे कि मैंने आपको इमेज भी शेयर की है कि अगर आप किसी को पैसे दो भी, वैसे तो आपको भी नहीं देना चाहिए क्योंकि देंगे तभी तो वो भ्रष्टाचारी बनेंगे. और आपको हमारे इंडिया को फ्यूचर में ऐसा बनाना है कि जहाँ कोई पैसे ना दे और ना ही कोई पैसे ले. कंक्लूजन. इन इंडिया ऑफ माई ड्रीम विल बी एन आइडियल कंट्री वेयर एवरी सिटीजन विल बी इक्वल. ऑल्सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी टाइप. इट विल बी ए प्लेस वेयर वुमेन आर सीन एज इक्वल टू मैन एंड रिस्पेक्ट इक्वली. मैं अपने देश को ऐसा बनाना चाहती हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे बनाना ऐसा ही चाहे कि हमारे देश के सारे सदस्य, सारे लोग, सारे इंडिविजुअल्स, सारे सिटीजन्स हमारे देश के इक्वल हो,
कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कोई भेदभाव ना हो, और औरतों को भी आदमियों जितना रिस्पेक्ट दी जाए और इक्वल राइट्स दिए जाए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के भी दिमाग खुले, और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ को। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।